आज मैं आपको बताऊंगी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक, जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच का जो संबंध होता है वो उसको बताता है। प्रीपोजिशन का मतलब वही होता है। प्रीपोजिशन में बहुत से एग्जांपल होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो आपको मैं प्रीपोजिशन बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ प्रीपोजिशन किसे कहते हैं या प्रीपोजिशन क्या है। दोनों का मतलब एक ही होता है, क्या है या किसे कहते हैं। वॉट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध, संबंध सूचक। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक। डिफाइन में क्या है? डिफाइन में प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड, अ वर्ड placed, a preposition is a word placed before a noun or a pronoun, noun or pronoun to show the relation relative the nouns or pronoun between the nouns or pronoun the remaining remaining sentence example में जैसे in front behind at on अंडर और बहुत से होते हैं सेंटेंसेस में। जैसे कि इस पे आप मान लो कि कोई सेंटेंस जैसे बना हो, मान लो कि लिखा हुआ द फैट कैट इज सीटिंग अंडर द ट्री। इसमें बता रहा है कि एक मोटा बिल्ली जो है वो पेड़ के नीचे, अंडर आ गया ना, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। अंडर जो होता है ये प्रीपोजिशन, वो पेड़ के नीचे बैठ रही है। तो इस तरह से ये आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं प्रीपोजिशन में। इसमें और भी होते हैं प्रीपोजिशन, आप को मैं इतना ही बता रही हूँ। प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।